मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं, तेरी जान पे। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, अभी अपन एक्सरसाइज 1C.4 पर पहुंच गए हैं और हमारा एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है सिद्ध कीजिए कि टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 टेन 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सरसाइज आप अपने से कर सकते हो, क्योंकि ये एक्सरसाइज में उतना ही है जितना आप टेंथ में पढ़ के आए हो। मतलब कहने का प्यारे बच्चों कि इस पूरी एक्सरसाइज में आपको सिर्फ क्या यूज़ करना है बच्चे, जो टेन साइन कॉस इन सब की जो टेबल थी बच्चे, कि टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, ये सब आप याद करके आए हो। प्यारे प्यारे बच्चों, इतना तो आपने याद ही किया है। आपने याद किया है बच्चे 0 डिग्री का वैल्यू, आपने याद किया है बच्चे 30 डिग्री का वैल्यू, आपने याद किया है बच्चे 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। इससे आगे का जो सफ़र है बच्चे, 90 के बाद जो है 120 है प्यारे बच्चों, 120 के बाद जो है 135 है प्यारे बच्चों, 150 है प्यारे बच्चों, तो ये सब आपको 11th में पढ़ना है। 10th तक आप इतने की वैल्यू पढ़ के आए हो, ठीक है बच्चे लोग। तो अभी अपन उतने से ही काम चलाते हैं। आपके पास कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है? आपके पास है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा और एक टेन थीटा। तीन ये मेन होते हैं और बाकी इन्हीं तीनों के रेसिप्रोकल या फिर व्युत्क्रम प्यारे बच्चों तीन होते हैं। तो अगर आपको ये तीन आते हैं तो आप सारे की वैल्यू समझ जाते हो। तो बच्चे, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 प्यारे बच्चों 1 होता है। अब बस इस लाइन को जस्ट उल्टा करके पलट के रख दो। अभी ये ऐसी है बच्चे, 0 इधर है, 1 इधर है, इसको मोड़ के ऐसा ताकत लगा के ऐसा कर दो तो ये 1 यहाँ पहुँच जाएगा बच्चे, ये √3/2 यहाँ पहुँच जाएगा बच्चे, 1/√2 एज इट इज़ रहेगा, 1/2 यहाँ पहुँच जाएगा और 0 यहाँ पहुँच जाएगा। और ऐसे ही प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो अपॉन कर देंगे 0/1, क्या होगा बच्चे, 0 होगा। इतना 1/√2 है ना बच्चे, 1/2 अपॉन √3/2, तो √2 से 2 कैंसिल होगा बच्चे, तो टेन 30 हो जाएगा 1/√3। प्यारे बच्चों, यहाँ 1/√2 कैंसिल, 1 बचेगा बच्चे, यहाँ 2 से 2 कैंसिल तो √3 बचेगा। और प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे आप सबको ये बताने में बड़ा दुख होता है कि चूंकि आप सब 11th की पहली क्लास में आप मुझसे सामने नहीं मिले, तो बहुत सारे बेसिक मैं आपको बता नहीं पाया, गणित का उद्गम आपको बता नहीं पाया। बहुत सारी ऐसी कॉन्सेप्ट हैं जो प्यारे प्यारे बच्चों को झकझोर के रख देती हैं, मैथमेटिक्स से उनका मतलब जो लगन है, मैथमेटिक्स उनका लगाव है, उसे 15-20 गुना बढ़ा देती हैं। तो वो क्लासेस नहीं हो पाई प्यारे बच्चों, इसका मुझे बहुत दुख है और मैं नहीं चाहता कि दुख हमेशा रहे। मैं बहुत जल्दी चाहता हूँ आप सबसे मिलना, आप सब सामने बैठ के पढ़ें, तो मुझे लगे कि आपके अंदर क्या कमियाँ हैं, उनको मुझे दूर करना है। आप कितना समझ पाते हो अभी मैं नहीं जानता। बच्चे जो 12th क्लास के बच्चे हैं, उन्होंने 11th क्लास मेरे साथ पढ़ी है, तो मैं उनमें से हर बच्चे को जानता हूँ कि किसे कहाँ दिक्कत हो सकती है, किसे कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। आप सबको मैथमेटिक्स के प्रति और लगाव मैं नहीं भर पा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि अपन बहुत दूर डिस्टेंस में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर हम साथ पढ़ते, सामने बैठ के पढ़ते, तो मेरा दावा था बच्चों कि जिस तरीके से आप रामायण, गीता, महाभारत इन सब की पूजा करते हो, कुरान, बाइबल, इन सब को रिस्पेक्ट से देखते हो, सेम उसी तरीके से गणित को आप उन्हीं ग्रंथों के साथ रखते और उन्हीं ग्रंथों के जितना ही गणित को आप सम्मान देते। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है जो मुझे हमेशा लगती है और बहुत चिंता होती है आप लोगों की कि आप सबको बहुत सारे बेसिक नहीं पता हैं, गिनती की शुरुआत कैसे हुई, गणित की शुरुआत कैसे हुई और किस तरीके से गणित ने हमारे पूरे जीवन काल को बदला।
तो प्यारे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी इस COVID-19 की दवा बने, COVID-19 की वैक्सीन बने, और सब ये जो पेंडेमिक फैला हुआ है, जो सब ये कष्ट फैला हुआ है वातावरण में, दुनिया में, वो दूर हो जाएगा और हम सब आमने सामने बैठ के बढ़िया पढ़ेंगे और अपने बेहतर भविष्य को और सशक्त करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। तो फिलहाल अभी काम चलाते हैं। तो 1/0 प्यारे बच्चों, 1 के अपॉन में 0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। ये क्यों होता है प्यारे बच्चों, इसको भी मैं इस वीडियो में या फिर अगले वीडियो में छोटा सा जगह बना के समझा दूंगा। अभी आप ये समझ लो कि किसी के अपॉन में ज़ीरो हो जाए तो वो अनडिफाइंड, अपरिभाषित हो जाता है। अपरिभाषित क्यों हो जाता है इस वीडियो में नहीं बता रहा बच्चे, क्योंकि अपने को सवाल सॉल्व करने हैं। अगले वीडियो की शुरुआत मैं इससे ही कर दूंगा प्यारे बच्चों कि 1/0 इन्फिनाइट क्यों होता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हर क्यों का जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा। मैंने कभी नहीं कहा बच्चों से कि मैं दुनिया का सबसे बेहतर टीचर हूं। मैंने हमेशा कहा है कि आप मुझसे जितना पूछोगे उतना पूछो। मुझसे बनेगा बच्चों तो मैं बता दूंगा, नहीं बनेगा तो मेहनत करूंगा, पढ़ूंगा, ढूंढूंगा और आपको बताऊंगा ज़रूर। ये मेरा नेचर है। जो चीज़ नहीं आती तो वो नहीं आती। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सब कुछ आता हो, और ना मुझे बताने में शर्म आती है बच्चों कि ये चीज़ मुझे नहीं आती। अगर आती होगी तो आपको तुरंत बताएंगे, और अगर नहीं आती होगी तो प्रयास करेंगे, ढूंढेंगे, लेकिन आपको बताएंगे ज़रूर, और सही बताएंगे, गलत कुछ भी नहीं बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसकी चर्चा अगले क्लास में हम करेंगे। तो अब 1/0 क्या हो जाएगा बच्चे? इनफाइनाइट। तो tan 90 होता है प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब आप सबको पता है कि tan का उल्टा cot होता है। cot होता है बच्चे 0 का उल्टा। उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चे? 0 मतलब 0/1 कर सकते हैं। आप किसी के भी अपॉन में 1 तो कर ही सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल प्यारे बच्चों फिर से 1/0 हो जाएगा, और मैंने बोला है किसी के अपॉन में 0 आ जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। किसी के अपॉन में प्यारे बच्चों, 100 के अपॉन में भी 0 आ जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। राम के अपॉन में भी 0 हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तो कॉट 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और बच्चे इन्फाइनाइट का उल्टा 0। ठीक है प्यारे बच्चों, 0 का उल्टा इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट का उल्टा 0। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही कॉट की वैल्यू हो गई बच्चों। अब आप क्या निकाल लोगे? अब इसके बाद नंबर आता है sec का। तो प्यारे प्यारे बच्चों, sec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? cos थीटा का। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, है ना प्यारे बच्चों, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, और 0 का अगेन इन्फाइनाइट। ऐसे प्यारे बच्चों कॉसेक का आप निकाल लोगे। तो अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको अगर ये वैल्यूज आती हैं तो आपसे पूरा काम हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ, बाकी के सारे क्वेश्चन प्यारे प्यारे बच्चे खुद से कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, हल करके बोलते हैं। पहले अपन ले लें लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, है ना, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है tan 60 डिग्री, है ना बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? tan 60 डिग्री। ऐसे भी कर सकते हैं हम कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है बच्चों? tan 60 डिग्री। प्यारे प्यारे बच्चे जानते हैं, अभी देखा इन्होंने कि tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों √3। तो मतलब हम tan 60 डिग्री के स्थान पे क्या कर सकते हैं बच्चों? √3 कर सकते हैं। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब अपन कर लेते हैं बच्चों राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड है प्यारे बच्चों 2 tan 30 डिग्री upon 1 minus tan square 30 डिग्री। प्यारे प्यारे बच्चे क्या जानते हैं? बच्चे ये जानते हैं कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 होता है। ठीक है बच्चों, तो अब 2 है तो 2 कर देंगे, tan 30 है तो tan 30 के स्थान पे क्या करेंगे बच्चे? tan 30 के स्थान पे हम 1/√3 कर सकते हैं। तो tan 30 के स्थान पे 1/√3 कर देंगे, 1 के स्थान पे 1 कर देंगे। प्यारे प्यारे बच्चों एक चीज़ समझना, मैं वैल्यू अभी नहीं पुट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात बतानी है। प्यारे बच्चों एक बात देखना, कभी भी अगर साइन स्क्वायर थीटा आ गया,
और अगर आप वैल्यू रख रहे हो, अगर आप मान रख रहे हो, तो आपको साइन थीटा का होल स्क्वायर करके, क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर ही होता है, तो होल स्क्वायर करके मान रखोगे तो कभी गलतियाँ नहीं होंगी प्यारे बच्चों। तो कहने का मतलब ये है कि इसको मैं एक बार ऐसा कर सकता हूँ कि 2 tan 30 degree अपॉन 1 minus tan 30 degree को होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ बोलेंगे कि सिंस हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो प्यारे बच्चों जहाँ जहाँ tan 30 है वहाँ वहाँ हम 1/√3 कर सकते हैं, तो 1 minus 1/√3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? बच्चों अब अपन इधर सॉल्व करते हैं, जगह उधर कम है, इज इक्वल टू ऊपर आ गया 2/√3 अपॉन यहाँ पे है बच्चे 1 minus 1 का स्क्वायर 1 होगा बच्चों, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो इज इक्वल टू, इसको हम मिटा रहे हैं बच्चे, तो 2/√3 बच्चों यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 3, है ना बच्चे 3, 3 का 1 से गुणा, 3 × 1 = 3 और -1 इज इक्वल टू 2/√3 / 2/3। ठीक है बच्चों, बच्चों को सॉल्व करना आता है, 2/√3 ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, 2/3 है तो 3/2 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3/√3 क्या है बच्चे, 3/√3। कहाँ मिस्टेक कर दिए प्यारे बच्चों? कहीं तो मिस्टेक किए हो यार, नहीं किए क्या? देख लेते हैं, तो 3/√3 और लेफ्ट हैंड साइड केवल क्या आया था बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड तो केवल आया था √3 ना, tan 60 था, तो लेफ्ट हैंड साइड तो केवल आया था √3। वैसे मिस्टेक कहीं किए हैं क्या, देख लें एक बार, पहले सॉल्व करें क्या आ गया, आ तो नहीं रहा वैसे, हर का परिमेयीकरण करेंगे बच्चों, अच्छा आ गया ना, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चे, हम हर का परिमेयीकरण करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर का, तो ऊपर और नीचे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ऊपर और नीचे √3 और √3 का गुणा कर देंगे, है ना, हर का परिमेयीकरण। बच्चे हर को कभी भी रूट में नहीं छोड़ते हैं, अगर रूट में हर आ गया, डिनोमिनेटर अंडर रूट में आ गया, तो रैशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं, मतलब उसी का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों अब मैं इधर मिटा रहा हूँ, आप इसको कॉपी कर लेना, उतार लेना, तो इज इक्वल टू हो गया 3/√3 अपॉन, बच्चे √3 का √3 से गुणा क्या होगा, 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल इज इक्वल टू √3। तो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड भी √3 आया था, राइट हैंड साइड भी √3 आ गया, तो हम बोलेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर PROVED या फिर इति सिद्धम। तो प्यारे प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज मैं छोड़ना चाहता हूँ यार, और आपको होमवर्क देना चाहता हूँ सभी प्यारे बच्चे, कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ, ठीक है बच्चे लोग, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कराए दे रहा हूँ, बाकी पूरी एक्सरसाइज आप जो नोट्स है इसका बना के बढ़िया सॉल्व करके ग्रुप में सेंड करोगे बच्चे लोग। तो अभी अपन क्या करेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कहता है सिद्ध कीजिए कि, है ना, सिद्ध कीजिए कि tan π/6 और tan π/3 इज इक्वल टू tan π/4। तो पहले तो प्यारे बच्चों आप π/6 π/3 π/4 को समझ जाओ क्या है बच्चे, π/6 क्या है, पाई मतलब 180 कर दें बच्चे, अपॉन 6 तो 6 × 3 = 18, मतलब 30 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं। आप जो तरीके से करना चाहो, आप π/6 क्या है बच्चे, रेडियन है, रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, रेडियन है डिग्री में, रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो डिग्री मतलब 180 अपॉन पाई का गुणा करना पड़ेगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के कहानी क्या आई बच्चे, 180/6 ही ना आई, तो डायरेक्ट भी अपन 180/6 ना कर रहे थे, तो आप डायरेक्ट पाई की वैल्यू रख सकते हो, वो हमें डिग्री में मिल जाएगा। तो ये सब आप बच्चे याद कर लो, ध्यान कर लो,
जैसे मान लो अपने पास क्या था, 0 डिग्री था, फिर बच्चे 30 डिग्री था, फिर बच्चे 45 डिग्री था, फिर बच्चे 60 डिग्री था, उसके बाद प्यारे बच्चों 90 डिग्री था। तो कम से कम हमें इतने तो हमेशा याद रहें कि इन्हें हम क्या बोलते हैं रेडियन में। ये तो बच्चे 0 ही होगा, इसे बोलते हैं बच्चे पाई अपॉन 6, है ना बच्चों। क्यों? पाई मतलब 180, पाई मतलब 180, 180 में जब 6 का डिवाइड करेंगे बच्चे तो 6 * 3 = 18 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 30 को अपन बोलते हैं पाई अपॉन 6। 45 को, है ना बच्चे, 45 को अपन क्या बोलते हैं, 45 को अपन बोलते हैं बच्चे पाई अपॉन 4। ठीक है बच्चे, पाई अपॉन 4। क्यों? देखो पाई मतलब 180 अपॉन 4 कर देंगे तो 4 * 4 = 16 और 4 * 5 = 20, तो 45 को पाई अपॉन 4 कहते हैं। और ऐसे ही 60 मतलब प्यारे बच्चे क्या बोल देंगे, 60 6 * 3 = 18, है ना, तो पाई अपॉन 3। देखो बच्चे पाई अपॉन 3 है, पाई के स्थान पे 180 करेंगे, अपॉन 60 करेंगे प्यारे बच्चों, सॉरी अपॉन 3 करेंगे प्यारे बच्चों, तो 3 * 18 मतलब 60 को हम पाई अपॉन 3 बोलते हैं, इसे पाई अपॉन 3। 90 को 90 * 2 = 18, 90 * 2 = 180, तो पाई अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो 3 * 18 30 * 6 = 180, 30 में 6 का गुणा करोगे तो 180 आएगा, तो इसे बोलेंगे पाई अपॉन 6। 45 * 4 = 180 होता है, तो पाई अपॉन 4। 60 * 3 तो पाई अपॉन 3। 90 * 2 तो पाई अपॉन 2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है सारी चीज़ें, या आप याद रखिएगा, याद नहीं रख पाएंगे तो ऐसे ही पाई की वैल्यू रख के आप बगल में देख लेंगे रफ में अपने। तो प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, टेन पाई अपॉन 6 है और टेन पाई अपॉन 3। बहुत आसान एक्सरसाइज है प्यारे प्यारे बच्चों। अभी अपन ने देखा कि चाहे अपन टेन 6 का कितने बार जाएगा 180 में, 30 बार, तो मतलब पाई अपॉन 6 क्या है, 30 डिग्री है। चाहे अपन टेन 30 डिग्री बोले प्यारे बच्चों, या फिर यूँ कहें चाहे अपन टेन पाई अपॉन 6 डिग्री बोले और चाहे अपॉन टेन 30 डिग्री बोलें, दोनों एक ही बात है, इसकी वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 1/√3। ठीक है बच्चे, टेन पाई अपॉन 6 मतलब टेन 30, है ना बच्चों। क्यों? पाई के स्थान पाई अपॉन 6 है ना, पाई के स्थान पे 180 कर दो और 6 * 6 = 18, 30 आया बच्चों की नहीं आया, तो टेन पाई अपॉन 6 मतलब टेन 30, और टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ऐसे ही प्यारे बच्चों टेन पाई अपॉन 3, अब देखो 3 का कितने बार जाएगा भाग, 3 का जाएगा बच्चे, 3 का बच्चे जाएगा कितनी बार, 6 बार, सॉरी पाई अपॉन 3 ना, तो 180, तो 3 * 18 60 बार जाएगा, मतलब किस कितना है बच्चे, ये टेन 60 डिग्री है। तो पाई अपॉन 3 किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, 60 डिग्री को बोलते हैं। तो टेन 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। तो प्यारे बच्चों वैल्यू पुट करेंगे, टेन पाई अपॉन 6 होता है 1/√3 * टेन पाई अपॉन 3 होता है √3, तो √3 से √3 क्या होगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड प्यारे बच्चों हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व करेंगे। तो अब बोलेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों, ये है टेन पाई अपॉन 4। तो प्यारे प्यारे बच्चों पाई अपॉन 4 किसे कहते हैं, चाहे टेन पाई अपॉन 4 बोलो, पाई अपॉन 4 45 को कहते हैं ना, 180 का 4 से भाग करोगे तो 45 बार जाएगा, या फिर सीधे 45 * 180, तो टेन 45 का मान 1 होता है, तो टेन पाई अपॉन 4 क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 होगा। तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो PROVED प्रूव्ड, या फिर इति सिद्धम। तो प्यारे बच्चों मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन है जो प्यारे प्यारे बच्चों से ना बने, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाने हैं प्यारे बच्चों। तो आप सभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, है ना। और देखो जैसे 7th नंबर हो गया, 8th नंबर हो गया, थीटा की वैल्यू दी हुई है ना, तो चलो मैं 8th नंबर कराए दे रहा हूँ,
आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर ना बने बच्चों तो फिर मुझसे बताओ, तो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। जैसे एक क्वेश्चन बहुत जल्दी मैं कर रहा हूँ, ठीक है बच्चे लोग, फिर वीडियो बड़ा हो जाता है। तो क्वेश्चन कहता है कि यदि थीटा इज इक्वल टू कितना हो बच्चे, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कि तो प्रूव्ड करो। क्वेश्चन नंबर सेवन है कि कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना बच्चे। कहता है अगर कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन, अगर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे लग नहीं रहा है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, मुझे लग रहा है कि आप सब बन जाएंगे। तो आप एक बार इसके एग्जांपल लगा लो, 3 एग्जांपल हैं, है ना, उन तीनों को लगा लो। अगर आपसे नहीं बनता है बच्चे, तो फिर मैं तो हूँ बताने के लिए। तो प्यारे बच्चों, पहले आप प्रैक्टिस करो, है ना, फिर कमेंट में बताओ आवश्यकता है कि नहीं है, फिर मैं इसके अगले वीडियो बनाऊँ। इससे अच्छा ये है कि अगर आपसे बन जाए तो मैं जंप कर जाता हूँ बच्चे अगले कॉन्सेप्ट पे, अगले एक्सरसाइज में। और प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान करना, अगला जो एक्सरसाइज शुरू हो रहा है, अगला जो कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, वहाँ से अब ट्रिगोनोमेट्री की रियल स्टार्टिंग हो रही है। अब जो ट्रिगोनोमेट्री आपको मिलने वाली है, वो आपके जीवन में हमेशा, आप आगे चाहे जितना पढ़ते रहो, अगर आप वो सही समझ गए तो पूरा गणित, चाहे 11th का हो चाहे 12th का हो, एकदम से आसान हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा। और अगर वो आप समझ नहीं पाए तो जीवन भर आप गणित की पीड़ा से मरते रहोगे। बात समझ गए? तो अब से, अब तक आपने कैसा पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन अब आपको एकदम से सीरियस होकर पढ़ना है। जो मैं अगले कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूँ इस एक्सरसाइज के बाद वाले, उनको आपको खुले दिमाग से समझना है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री के जितने फार्मूले हैं, 100 हैं 150 हैं 200 हैं, उन सब फार्मूलों को हम प्रूव्ड करने वाले हैं। और प्रूव्ड तभी करेंगे जब अगले क्लास के जो कॉन्सेप्ट हैं आपको क्लियरली समझ में आएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि टैन, जैसे मान लो अगर साइन a प्लस b का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी कॉस बी और प्लस कॉस ए और साइन बी, तो मैं, बाकी टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि ये फार्मूला है आप इसे रट लो। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बच्चों को बताऊँ कि ये फार्मूला कैसे बना है, ये फार्मूला कैसे प्रूव्ड हुआ है। जब मैं ये बता दूँगा कि ये फार्मूला कैसे बना है, कैसे उत्पन्न हुआ है, तो प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये फार्मूले याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, अब अगली क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास जो है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिमाग को संतुलित करके, एकाग्र करके, पूरा फोकस क्लास में रखिएगा और बढ़िया तरीके से ट्रिगोनोमेट्री सीखिएगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में। इस एक्सरसाइज को आप कर लो, और मैं फिर से कह रहा हूँ कि अभी तक तो अपन 10th का रिवाइज कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्री, ताकि आगे जब अपन ट्रिगोनोमेट्री में बढ़ें तो बेस क्लियर रहे। रियल कॉन्सेप्ट जो है प्यारे बच्चों, वो अब स्टार्ट हो रही है। और अगर आपको जीवन में कुछ करना है, है ना बच्चे, कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना है, धमाका करना है, सक्सेस पाना है, तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान करो कि वो जो आप फंडा पुराने क्लासों में करते थे, मैथ का मतलब रटना, क्वेश्चन उसका आंसर, ये नहीं है। मैथ को कॉन्सेप्ट से पढ़ा जाता है, मैथ को दिल से पढ़ा जाता है, मैथ को आत्मा से पढ़ा जाता है। मैथ दिमाग से पढ़ने वाला सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है, मैथ आत्मा से पढ़ने वाला सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों। तो अगर आप अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, सही कर लोगे, जो मैं कराना चाहता हूँ, तो ये समझ लो कि गणित को आप हमेशा एकदम आसान सब्जेक्ट समझने लग जाओगे, आपको मज़ा आएगा। मैं जानता हूँ, मैं 12th क्लास में डायरेक्ट जो बच्चे मेरे पास आते हैं उनको मैं देखता हूँ कि मैथ क्यों टफ लग रही है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक के वो टॉपिक जो मैं इसके आगे पढ़ाने वाला हूँ, वो रट के आए हुए हैं, समझ के नहीं आए हैं, फार्मूले प्रूव्ड करके नहीं आए हैं, तो कैसे बनेगा उनसे प्यारे बच्चों। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, आप सभी कॉन्सेप्ट से पढ़ें और बढ़िया दिमाग का अपने विकास करें और अपने ज़िंदगी में शानदार काम करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।